जो बक्से भर भर के नोट मिली है नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इस एक बयान ने यूपी चुनाव की टोन सेट कर दी, चुनावी मौसम में सियासी तापमान बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में थे। ये वही कानपुर है जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, वही कानपुर है जहां कुछ दिन पहले सैकड़ों करोड़ की काली कमाई का राज खुला, नोटों के बंडल मिले। लेकिन रेड यहीं नहीं रुकी, कानपुर से कन्नौज तक 200 करोड़ का काला साम्राज्य सबके सामने आ गया। प्रधानमंत्री ने वहीं चोट की जहां विरोधियों को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। असल में इस वक्त इत्र कारोबारी के घर रेड, करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर घर में इस पर बात हो रही है। ड्राइंग रूम से लेकर डिनर टेबल तक सीक्रेट तहखाने से निकले नए नए नोटों की गड्डियां और सोने के बिस्किट्स की बात होती है। लोग पूछते हैं कि आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से, ये पैसा किसका है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया को क्लोजली वॉच करते हैं, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के इत्रलोक पर जबरदस्त हमला किया। मोदी ने पूछ लिया कि कुछ लोग हर काम में क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते थे, लेकिन अब कोई क्रेडिट लेने नहीं आया। हमला सीधा अखिलेश यादव पर था, समाजवादी पार्टी पर था। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने चुनावी लाइन क्लियर कर दी, इसीलिए बीजेपी का हर नेता यूपी चुनाव में इत्र कारोबारी के घर हुई रेड की बात कर रहा है। जिस मन से प्रधानमंत्री ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया, उसी मन से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी 200 करोड़ की बरामदगी पर सवाल उठाया, अखिलेश पर तीखे हमले किए। अराजकता का एक नया तांडव यहाँ प्रारंभ हुआ और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही है कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। चुनावी पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कैसे की जाती है, ये बीजेपी अच्छी तरह जानती है। और चूंकि करप्शन पर नकेल ऐसा मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार और योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, जबरदस्त है, इसीलिए बीजेपी एग्रेसिव है। होम मिनिस्टर अमित शाह की पब्लिक मीटिंग में भी दिखाई दिया। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, उससे कुछ ही देर पहले हरदोई में अमित शाह ने भी पीयूष जैन के घर रेड को बड़ा मुद्दा बनाया, जोर शोर से उठाया। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया
भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। और खासकर जिस तरह अखिलेश यादव की रैली को रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से लोग जमा हो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड पर आई है। लेकिन चूंकि बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि कैश किसका है, क्या इसका समाजवादी इत्र से कोई कनेक्शन है, अखिलेश ने इन सारी बातों पर सभी इल्जामों का जवाब दिया। ये तक कह दिया कि अगर नोटों के सीरियल नंबर्स की जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा, जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा। इन सारे चुनावी वार पलटवार का सार सिर्फ इतना है कि कानपुर से कन्नौज तक 200 करोड़ की रिकवरी अब तेरा कैश वर्सेस मेरा कैश पर आ चुकी है। हर कोई एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन जहां तक जांच की बात है तो ये भी सही है कि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस कैश कांड से कोई सीधा लिंक सामने नहीं आया। मगर इतना जरूर है कि इत्रलोक के तहखाने से कैश के साथ करप्शन का जिन्न बाहर आ चुका है, जो पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान जरूर खड़े करता है।